वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे और हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बड़ों की तो ज़रूरी है लेकिन बच्चों की उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम आर्टिफिशियल फूड की बात करेंगे कि बच्चों को जो हम देते हैं आर्टिफिशियल फूड वो कितना नुकसानदेह है, ब्रेस्ट फीडिंग को भी हम प्रेफर करना चाहिए, इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर बीनीश अली, वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर बीनीश, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर बीनीश। हम बच्चों की हेल्थ डाइट न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ग्रोइंग फेज है, उसमें बहुत बेसिकली जो उनकी एक प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसमें क्या क्या चीज़ें काउंट की जाती हैं? क्योंकि देखें, ये जो आप अभी आपने कहा कि दो टॉपिक्स, एक हम स्मॉल इन्फेंट्स की बात करेंगे और एक थोड़े उससे एज बड़ी वालों की बात करेंगे। इन्फेंट्स में तो न्यूट्रिशन के लिहाज से अप टू 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके हम कह सकते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना कोई फार्मूला मिल्क, ना कोई काओ मिल्क, ना कोई ऐसी चीज़। फिर 6 मंथ्स या 5 मंथ्स से ऑनवर्ड जब हम उनकी वीनिंग सॉलिड फूड जब स्टार्ट करा देते हैं, जिसको हम वीनिंग कहते हैं, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की फिर बढ़ जाती हैं। अब उसमें डिसाइड करना होता है कि इनको क्या दें क्या ना दें, कौन सी चीज़ हेल्दी है और कौन सी चीज़ हेल्दी नहीं है। तो देखें, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग तो कंटिन्यू साथ रख रहे होते हैं ना, तो जब सॉलिड फूड हम स्टार्ट कराने को किसी को भी बच्चे को कहते हैं, पेरेंट्स को, तो हम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हैं कि होममेड चीज़ें, होममेड चीज़ों से स्टार्ट करें। क्योंकि जब बच्चा एक उसको इंट्रोड्यूस हो रही है ना फूड, तो अभी उसके टेस्ट पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, उसको टेस्ट उस चीज़ का अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है। अब अगर हम शुरू से ही थोड़ा पैकेट फूड्स पे चले जाएंगे या डब्बे वाली चीज़ों पे चले जाएंगे, टेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर बाद में हम ही माएँ कंप्लेन कर रही होती हैं, बच्चा ये नहीं खाता। एग्जैक्टली, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पहला स्टेप ही होता है कि उसको जो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना, तो घर की बनी फूड। अब घर की बनी फूड में कुछ भी हो सकता है, आप दलिया बना सकते हैं, आप कस्टर्ड बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो रेडी जल्दी हो जाने वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम आपको पेरेंट्स को इस तरह एडवाइस करते हैं कि एक चीज़ जब आप इंट्रोड्यूस कराते हो बच्चे को, तो गैप के साथ दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस कराओ। इस तरह नहीं कि एक ही दिन में आपने उसको 3-4 चीज़ें उसको दे दी। इससे 2-4 प्रॉब्लम्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपको पता नहीं लगता कि मेरे बच्चे को कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, क्योंकि वो आप जब एकदम से उन्हें दे देंगे, यू डोंट नो कि आपने इस चीज़ से उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है या वो दूसरी बात, एलर्जीज डेवलप होने के बहुत चांसेस होते हैं। उसमें भी आपको पता फिर लग जाता है कि अगर मैं अपने बच्चे को ये चीज़ देती हूँ तो उससे मुझे, मैंने नोटिस किया है कि मेरे बच्चे को एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। और फिर तीसरी हम ये कहते हैं कि कुछ गैप रखने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस मिल्की प्रोडक्ट्स भी करते जाएं, जैसे योगर्ट बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। योगर्ट आप इंट्रोड्यूस कराएं, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं कि योगर्ट शायद खट्टा है तो उससे हमारा ये हो जाएगा, तो हम उसमें सिर्फ ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों में डायरियाज बहुत कॉमन हो जाते हैं, आप में योगर्ट अगर आप उसको यूज़ करा रहे हो, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, कोई प्रोबायोटिक की ज़रूरत नहीं, ये एक प्रोबायोटिक है इटसेल्फ। तो योगर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके साथ आपको ब्रेस्ट फीडिंग तो मस्ट। डॉक्टर बीनीश, आप जैसे ब्रेस्ट फीडिंग को कह रहे हैं कि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमारे यहाँ नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन से कहते हैं कि जी फार्मूला मिल के जाएँ आप उससे नीचे डिस्पेंसरी पे, वहाँ से ये लेकर आ जाएं और आपने बच्चे को यही पिलाना है। इवन अभी रिसेंटली मेरी नीस हुई तो वो पता लगा जनाब कि वही मिल्क देना है, उसके अलावा आपने देना नहीं है, और वो डॉक्टर ने रिकमेंड किया, उसने कहा ये अभी आप अभी इस फिलहाल इन चक्रों में ना पड़े, आप पहले लाएं वो फार्मूला मिल्क आप उस बच्ची को दें। अच्छा अर्मिला, इसमें भी 2-3 कंडीशन आ जाती हैं। इसमें एक है कि जब आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो रही होती है ना, तब तो मदर उस कंडीशन में होती है माशाल्लाह कि वो अपने बेबी को उसी वक्त देखे और उसको वो दे सके। उस वक्त हम बिल्कुल उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि आप, हम मदर को इनक्रेज करते हैं कि आप थोड़ा सा हिम्मत करें और अपने बेबी को देखें और फीड कराएं। और माशाल्लाह बेबी एक ऐसी चीज़ है, जब माँ की गोद में जाता है माँ वो सारी पेंस भूल के तो वो उसको बेबी को देखने लग जाती है। दूसरी बात, जब सिजेरियन या सी सेक्शन जो हम ऑपरेशन से बेबीज कहते हैं, उसमें माँ की कंडीशन थोड़ी सी इस तरह की नहीं होती कि जिसमें हम फौरन से माँ से बेबी को फीड करवा सकें। इन दैट कंडीशन हम पेरेंट्स को कहते हैं कि ये फीड अभी आप करा दें, क्योंकि बेसिकली बच्चे को हमने उस वक्त फीड कराना होता है, लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि जैसे ही मदर उस कंडीशन में आएंगी तो मदर फीड स्टार्ट कराना है।
और ट्रस्ट मी बहुत सी मदर्स, बल्कि मोस्टली मदर्स ये होता है कि वो जैसे ही किसी अपनी कंडीशन उनकी बेहतर होती है, उनको होता है कि हम पहले अपना फीड बच्चे को करा दें. क्योंकि वो फीड इतना इम्पोर्टेंट होता है, जो फर्स्ट डेज वाला फीड होता है. एक तो बच्चा हैबिचुअल होगा आपके फीड करने का, वही टेस्ट हम अगर आप कुछ दिन डिले कर देंगे ना तो बाद में बच्चा मुश्किल से ही फीड करता है. दूसरा ये कि उस फीड को, जो उन दिनों का फीड होता है, उसमें एंटीबॉडीज का लेवल इतना हाई होता है कि अगर वो एंटीबॉडीज लेवल बच्चे में चला जाता है तो बच्चे की इम्यूनिटी का लेवल बहुत हाई हो जाता है. और जो बच्चों में वो नहीं जाता, फिर उनकी इम्यूनिटी लेवल, कुव्वत मदाफत कम रहती है और उसके रिजल्ट्स बाद में हम देखते हैं कि डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस, डिफरेंट बीमारियां उन पे अटैक जल्दी करती हैं. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर बीनिश, अभी हम डाइट की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल फूड को भी हम डिस्कस करें. नॉर्मली चॉकलेट्स, कैंडीज, इस तरह की चीजें बच्चे मांगते हैं, पेरेंट्स दे देते हैं, प्यार में देते हैं जैसे देते हैं, लेकिन बाद में फिर बच्चे उसी चीज की आदत होते हैं. नॉर्मली यही माएँ शिकायत कर रही होती है कि घर की नहीं खाता, सिर्फ इसको बाहर का खाना ही चाहिए या बाहर की चीज ही चाहिए. अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज और डिस्क्राइब कर दूं कि हेल्दी हम किसको कहते हैं और हम अनहेल्दी किसको कहते हैं. ये भी पता कहते सब लोग हैं, क्योंकि बच्चों को भी पता होता है आजकल. तो स्कूलिंग भी, मेरे बेटे ने भी स्कूलिंग स्टार्ट किया, तो वो आके मुझे कहता है मामा आई लाइक हेल्दी फूड्स. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले पेरेंट्स को पता हो कि हेल्दी चीज क्या है. देखिए, हेल्दी चीजें वो जो नेचुरल सोर्सेज से आ रही है. अनहेल्दी हम उनको कहते हैं जिसमें जो हम बाहर की जो पैकेट फूड, जंक फूड ये वाली, क्योंकि इसमें एक तो प्रोसेस्ड फूड होती है, ये नेचुरल सोर्स से नहीं आ रही होती, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और तीसरी इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो भी वो शुगर जो आपकी नेचुरल सोर्स वाली शुगर नहीं है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये चीज़ें वाकई इनके लिए डेंजरस हैं. अब दूसरी बात कि पैकेट फूड के नुकसानात क्या होते हैं. एक तो आपने खुद बोला कि जैसे कि जब बच्चा जब खा लेता है ना, तो उसका टम्मी फुल हो जाता है. अब उसको उसमें गुंजाइश नहीं कि वो दूसरी घर की कोई फूड अगर आप उसको देते हो तो वो खा ले. इसमें बेसिकली उसका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है. तो आप देखते हो इस तरह जो बच्चे जो ज्यादा जंक या जो पैकेट फूड खाते हैं, फटीक लेवल बहुत उनका होता है. मतलब जल्दी थक जाना कोई भी एक्टिविटी करना, क्योंकि अब जब जो एनर्जी उन्हें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलनी है वो इधर से इसको नहीं प्रोवाइड हो रही. और दूसरा, उन बच्चों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं. मूड स्विंग्स में आप देखते हो चिड़चिड़ापन सबसे कॉमन. इसके अलावा बच्चे गुस्से वाले बहुत हुए हैं, एंगर, डिप्रेशन, इस तरह वाली चीजें. और अगर हम एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं इसकी डिजीजेस की बात करूं, तो अब इनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती नॉर्मली. ग्रोथ एक जो घर की रोटी, घर के चावल, फ्रूट, सैलेड्स, ये चीजें जो ग्रोथ आपकी कराते हैं बच्चे की, उसके कंपैरेटिवली ये बच्चे स्टंटेड होते हैं. स्टंटेड से मतलब हाइट में भी कम, वेट में भी कम, और मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो रही होती. कि आप देखते हो कि इनका कोऑर्डिनेशन लेवल कम होता है. पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बच्चा हमारा कंसंट्रेट नहीं कर सकता. स्कूल वाले टीचर्स कह रही होते हैं कि ये कोई काम करता है तो करता चला जाता है, मतलब उसको उस स्पीड से नहीं करता दूसरे बच्चे. तो कहीं ना कहीं इसका आप अटैच करते हो इस फूड से. जो बच्चे हेल्दी फूड खाते हैं एज कम्पेयर, और सबसे कॉमन ओबिसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इन बच्चों में. जब ओबिसिटी होगी, मोटापा होगा, तो बच्चों में डायबिटीज, शुगर के चांसेस ज्यादा होते हैं. बच्चों में डायबिटीज प्रैक्टिस होती है. टाइप, हम इसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जो बड़ों से डिफरेंट होती है. और बड़ों में, बच्चों में पहले इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन जब से हमने थोड़ी सी बच्चों की आदतें खराब की, जंक फूड को हम ज्यादा इंट्रोड्यूस करा दिया, तब से ये ज्यादा नजर आने लग जाती है. और बड़े इसमें अब कहना चाहिए कि ये वो डायबिटीज, बड़ों में तो फिर मेडिसिन से हम ट्रीट कर देते हैं, टेबलेट से. बच्चों में आपको डायरेक्ट इंसुलिन पे जाना पड़ता है. बच्चों में आपको वो टैबलेट वाली ऑप्शन ही नहीं है कि जी आप इसको ये दे दें. तो इसलिए ये एक ऐसी चीजें हैं जिनको प्लीज बहुत ख्याल. ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर बीनिश कॉलर भी है, मिसेस नईम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है. और अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेबी जो है ना, वो 2 मंथ में है अभी. ठीक है. तो ये हल्की फुल्की गिजा के साथ में उनको रोटी वगैरह, जैसे हमारी आम रूटीन का जो मतलब है खाना वगैरह, उनको अपने साथ ये खिला सकते हैं. और दूसरा ये, उनका कद इतना बढ़ नहीं रहा. मतलब उसके 2 मंथ्स की या 2 ईयर्स की आपकी बेबी? 2 ईयर्स की. 2 ईयर्स की, ठीक है ठीक है. तो कद नहीं बढ़ रहा उसका? जी जी, कद इतना नहीं बढ़ रहा. और जो उनसे बड़ी है 4 ईयर, उनका भी कद इतना नहीं बढ़ रहा. तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इन दोनों को ऐसी कौन सी गजा दूं जो कद इनका बढ़ना शुरू हो जाए. ठीक हो गया, ठीक हो गया. मिसेज नईम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. एक 4 साल की बेटी है इनकी और एक 2 साल की. दोनों की हाइट, इनहेरिटेंस का भी एक होता है. पहले तो उनका क्वेश्चन की उसकी जो है खुराक क्या दी जाए.
अच्छा, वो ये बड़ा एक कॉमन हमारी चीज है जो सबके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि जब बच्चे को आप वीनिंग सॉलिड फूड स्टार्ट करा देते हैं 6 मंथ से ऑनवर्ड, तो फिर उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता जब आप इंट्रोड्यूस कराते हो ना 5-5 या 1-1 week के गैप से फूड इंट्रोड्यूस कराते हो, तो ऑलमोस्ट 1-2 months में आप उसको सारी फूड इंट्रोड्यूस करा देते हो. अब क्वेश्चन आता है कि रोटी कब स्टार्ट की जाए. देखिए, जब 1 साल का बच्चा हो गया ना, उसने वो सब कुछ खाना है जो आप खा रहे हो. Exactly. आप घर में जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सालन खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, सैलेड्स खा रहे हो, इसमें आपको कोई बच्चे को रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये बच्चे को मैंने ये नहीं देना, मैंने वो नहीं देना. बात ये होती है कि हमने बच्चे को आदत डालनी होती है. कुछ पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे खा नहीं सकते, चुबा नहीं सकते. तो ठीक है, पहले आप उसको इस तरह आदत डालें कि डाइट को थोड़ा सा सॉफ्ट करके दे दें, लेकिन प्लीज उनकी आते इस तरह ना खराब करें कि बिल्कुल जब आप सॉफ्ट करके, हाँ मतलब कुछ ग्राइंड करके लोग देते हैं कि जी हमने ये भी कर दिया. अब जब आप खुद ही बच्चे को आदत नहीं डाल रहे, तो वो तो बड़ा होके भी उसको होगा कि मुझे इजी मेथड से मिल जाए, मैं क्यों च्यू करूं. च्यू करने में थोड़ी सी स्ट्रगल आती है ना, तो इसलिए अब आपने इसको रोटी भी देनी है, एवरीथिंग, हर चीज देनी है. हाइट बढ़ने के लिए डॉक्टर भी, अच्छा हाइट में जैसे आपने बोला कि एक तो पहले आप किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, पेरेंट्स की हाइट ली जाती है, एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है कि बच्चे की हाइट उस ग्राफ में कहां फॉल कर रही है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अगर वो किसी डिजीज में वाले ग्राफ में नहीं हो रही होती, उससे नीचे या ऊपर आ रही होती है, तो फिर हम उसको एक बूस्टअप करने के लिए विटामिन डी दे देते हैं, कैल्शियम दे देते हैं, लेकिन कम से कम ये हम उसको देख लेते हैं, वैल्युएट कर लेते हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा. ऐसा प्रॉब्लम, अब आप अगर उसको फिर भी हेल्प आउट करना चाह रहे हो, तो मिल्क, मिल्की प्रोडक्ट्स और दूसरी चीजें, ये जो रोटी चावल की हम बार बार मैं बात कर रही हूँ ना, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है. ये कार्बोहाइड्रेट ने वेट भी बढ़ाना है और हाइट भी बढ़ानी है. ठीक है, तो वो आप जब डाइट में उसके फ्रूट्स भी इंक्लूड करोगे ना, जैसे ये फ्रूट्स में भी, अच्छा बड़ा लोग कहते हैं ये दूं ये ना दूं, ये खा लेगा. देखिए, सब चीजें जरूरी हैं. इवन बनाना तो कॉमन पता है कि खाते हैं. आपने एप्पल देना है उसे लाजमी, आपने मैंगो जो सीजनल फ्रूट है वो आप लाजमी, वो लाजमी दें. अब मैं क्योंकि मैं एप्पल को इसलिए थोड़ा सा कह रही हूँ कि मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो स्पेशली कहते हैं ये तो बड़ा सख्त होता है, ये तो बच्चा नहीं खा सकता. बच्चों को दे वो चबाता फिर पूरा. और दूसरी बात मैं बताऊँ, एप्पल अल्लाह मियां ने हर चीज एक मकसद के लिए बनाई है. एप्पल जो बच्चे, आपको लगता है ना मेरे बच्चों का रंग नहीं पिंक हो रहा, पीला रंग है, इसका खून नहीं बढ़ा, एप्पल डेली उनको एक एप्पल दें, एनीमिया को ट्रीट करते हैं. ओके, ठीक है डॉक्टर बिनिश. हम डाइट की बात करें तो डाइट के लिए हमारे साथ हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद है, उमेर फरवा, जो हमें बताएंगी कि बच्चों के लिए कौन सी डाइट अच्छी है. जी उमेर फरवा, हम बात कर रहे थे प्रोसेस फूड, आर्टिफिशियल फूड्स और उनकी कंजम्पशन बच्चों में. रीसेंट ट्रेंड ये हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारी अभी जो जनरेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंजम्पशन और प्रोसेस फूड की कंजम्पशन बहुत हाई होती जा रही है, क्योंकि एक कुछ लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया कि मदर जो हैं दे लुक फॉर कन्वीनियंस, और बच्चों को छोटी एज से ही प्रोसेस फूड जो है उसकी आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो लेटर ऑन जितने भी हमारे नेचुरल फूड के सोर्सेज हैं उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक पैलेटेबिलिटी जो है उनकी नहीं रहती, एक टेस्ट ही नहीं डेवलप हो पाता. तो बच्चों को आर्टिफिशियल फूड या प्रोसेस फूड जो है ये बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए. इवन कई मदर्स वीनिंग में भी यही करती हैं कि बच्चों को जो भी मार्केट में सीरियल अवेलेबल है वही दे देते हैं. आप हमेशा बच्चों को घर की बनी हुई चीज़ें दीजिए, और वो बच्चे जिनमें प्रोसेस फूड की हैबिट डेवलप हो चुकी है कि वो घर का बना खाना खाते ही नहीं है, तो उनको आप ग्रेजुअली डाइटरी मॉडिफिकेशन करके हम वापस उस तरफ लेकर आ सकते हैं. क्योंकि जितना भी आपका प्रोसेस फूड है उसमें हाई फैट होता है, हाई सोडियम होता है, यानी नमक बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है जो कि अभी बहुत सी कंट्रीज़ ने बैन भी कर दिया हुआ है, क्योंकि उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पॉपुलेशन में देखने को मिल रहे हैं. जब बच्चों को आप शुरू से ही हाई फैट फूड और हाई सोडियम डाइट इन सब चीज़ों पर डाल देते हैं, तो बच्चे ओबीस हो जाते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान रैंक्स 9th अमंगस्ट द मोस्ट ओबीस कंट्रीज. तो जितनी भी हमारे मुल्क में मोटापा भी बच्चों में हम देख रहे हैं बचपन से ही फैलता जा रहा है, उसकी वजह यही है कि फ़ास्ट फूड कंजम्पशन बहुत हाई है. और जब चाइल्डहुड ओबीसिटी बच्चे डेवलप कर लेते हैं, तो फिर उनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज़, अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो एक तो वैसे ही बच्चों के जीन्स में होता है कि वो उन्हें हो सकती है, लेकिन अगर बच्चे शुरू से ही प्रोसेस फूड पे भी बहुत ज़्यादा रहेंगे और उनका जो फैट है वो शुरू से ही बहुत बढ़ जाएगा बॉडी में, तो उस सूरत में भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा होना, चिकनाई का और दूसरी चर्बी वगैरह का ज़्यादा होना वो आ जाता है. इसके अलावा फैटी लिवर का भी एक मसला है, यानी जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है,
तो अगर प्रोसेस फूड की कंजम्पशन जिन बच्चों में हम देखते हैं कि बचपन में हाई होती है, वो बड़े होकर भी हाई रहती है, वही एक इशू है कि टेस्ट पहले पहुँच चुका है और वो इसके अलावा और किसी फूड को एक्सेप्ट नहीं करते. तो बच्चों को हमेशा नेचुरल फूड दीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसका इस्तेमाल उनको शुरू से ही करवाइए, फिर ही उनको आदत पड़ेगी और उनका जो लाइफस्टाइल है और जो डाइट है वो हेल्दी रहेगा. और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों को कोई भी जो इवन स्कूल में अगर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करवाइए. और जितना भी ये बच्चों में हम देख रहे हैं स्मार्टफोन और टैबलेट्स इसका एक रुझान बढ़ता जा रहा है, वीडियो गेम्स का आउटसाइड जाके प्ले नहीं करते, इन सब चीज़ों की वजह से बच्चों की एक तो बोन्स शुरू से ही वीक हैं, क्योंकि जब बच्चे फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपकी बोन्स जो है वो कैल्शियम को और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और ग्रो करती हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन जब बच्चे एक ही जगह बैठे रहेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, चलें फिरेंगे नहीं, तो ऐसी सूरत में आपकी हड्डियाँ जो हैं वो हम कहते हैं ना खुरना शुरू हो गई हैं, कैल्शियम बाहर निकल रहा है, वो कैल्शियम की फिर डेफिशिएंसी हो जाती है. थैंक यू सो मच उम्मीद फरवा, बताई थी बच्चों की डाइट के हवाले से. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिनेश, बहुत शुक्रिया जनाब. आज का मैसेज यही था कि बच्चों को हेल्दी खुराक दें, घर की बनी हुई चीज़ें दें. और अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.